ये बाहर के खाने, ये फूड पांडा है ना, हर घर का फर्द अलग एप्लीकेशन डाले बैठा है, हमें पता नहीं चलता। मैं मना नहीं करता कि आप ना खाएं, लेकिन चीजों के असरात हैं। उरफा उस दुकान से खाना लेने से या फल लेने से मना कर देते थे जिसके फल बाहर नजर आते हों। क्यों? क्योंकि लोगों की निगाहें उस फल पर पड़ती हैं और कोई नहीं खरीद सकता, तो हसरत निगाहों से उसमें ट्रांसफर हो जाती है और फिर उस फल में वो असरात मुरतब होते हैं। मना करते थे कि ऐसी जगह से मत लो जो बाहर चीजें पड़ी हो, और शीशों की दुकानें, बैठे हुए हम बर्गर खा रहे हों, पिज्जे खा रहे हों, लोग गुजर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हसरत, हसरत के लुकमे शिकम को इबादत के लिए राजी नहीं करते। आज माशरा क्यों इतनी मुश्किलात का शिकार है, हमें बीमारियों का पता ही नहीं। बीमारी सिर्फ बदन की बीमारी नहीं है, बदन की बीमारियां तो अपनी जगह पर है, असल बीमारी रूह की बीमारी है। क्यों आज माशरा बहुत गैरत खत्म हो गई है? आप सोचे माशरे में गैरत खत्म हो गई है? बेटी बेहिजाब है, माँ चादर करती है लेकिन बेटी कुछ नहीं कह सकती। शोहर जो है वो बाहर जा रहा है और मतलब आप कैसे तसव्वुर करेंगे, आपकी जौजा बगैर चादर बगैर दुपट्टे के बाहर टहल रही है और आप साथ जा रहे हैं। क्यों हो गया है, क्यों एहसास नहीं हो रहा? गैरत खत्म हो गई है माशरे से और इसका ताल्लुक लुकमे से है, लुकमे से। यही चीज इंसान को उठाती है। आज टीवी में महरम ना महरम ना जायज ताल्लुकात के ड्रामे आ रहे हैं, पूरा घर बैठा हुआ देख रहा है, पूरा घर बैठा, बाप भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है, सब देख रहे हैं। बेहयाई और बुराई का बाजार गरम लगा हुआ है और पूरा घर बैठा हुआ देख रहा है, किसी को कोई असर नहीं हो रहा। सकावत के नाम पर माओ बहनों बेटियों को नचाया जा रहा है, 14 अगस्त के नाम पर, इसके नाम पर। ये बाहर के खाने, ये फूड पांडा है ना, हर घर का फर्द अलग एप्लीकेशन डाले बैठा है, हमें पता नहीं चलता। मैं मना नहीं करता कि आप ना खाएं, लेकिन चीजों के असरात हैं। उरफा उस दुकान से खाना लेने से या फल लेने से मना कर देते थे जिसके फल बाहर नजर आते हों। क्यों? क्योंकि लोगों की निगाहें उस फल पर पड़ती हैं और कोई नहीं खरीद सकता, तो हसरत निगाहों से उसमें ट्रांसफर हो जाती है और फिर उस फल में वो असरात मुरतब होते हैं। मना करते थे कि ऐसी जगह से मत लो जो बाहर चीजें पड़ी हों, और शीशों की दुकानें, बैठे हुए हम बर्गर खा रहे हों, पिज्जे खा रहे हों, लोग गुजर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हसरत, हसरत के लुकमे शिकम को इबादत के लिए राजी नहीं करते। आज माशरा क्यों इतनी मुश्किलात का शिकार है, हमें बीमारियों का पता ही नहीं। बीमारी सिर्फ बदन की बीमारी नहीं है, बदन की बीमारियां तो अपनी जगह पर हैं, असल बीमारी रूह की बीमारी है। क्यों आज माशरा बहुत गैरत खत्म हो गई है? आप सोचे माशरे में गैरत खत्म हो गई है? बेटी बेहिजाब है, माँ चादर करती है लेकिन बेटी कुछ नहीं कह सकती। शोहर जो है वो बाहर जा रहा है और मतलब आप कैसे तसव्वुर करेंगे, आपकी जौजा बगैर चादर बगैर दुपट्टे के बाहर टहल रही है और आप साथ जा रहे हैं। क्यों हो गया है, क्यों एहसास नहीं हो रहा? गैरत खत्म हो गई है माशरे से और इसका ताल्लुक लुकमे से है, लुकमे से। यही चीज इंसान को उठाती है। आज टीवी में महरम ना महरम ना जायज ताल्लुकात के ड्रामे आ रहे हैं, पूरा घर बैठा हुआ देख रहा है, पूरा घर बैठा, बाप भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है, सब देख रहे हैं। बेहयाई और बुराई का बाजार गरम लगा हुआ है और पूरा घर बैठा हुआ देख रहा है, किसी को कोई असर नहीं हो रहा। सकावत के नाम पर माओ बहनों बेटियों को नचाया जा रहा है, 14 अगस्त के नाम पर, इसके नाम पर।